दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको मैटलैब सिखाना शुरू करूंगा। मैटलैब मतलब होता है मैटलैक्स। मैटलैब का फुल फॉर्म है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। आज इस वीडियो में आपको सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, और ये जो कुछ भी मैं सिखाऊंगा आपको वो सिर्फ कमांड विंडो में सिखाऊंगा। बाकी मैटलैब की बेसिक्स आपको पहले से आनी चाहिए। तो सिर्फ कमांड विंडो में आपको जो भी सिखाऊंगा कमांड विंडो में सिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, ईटीसी। इसके अलावा हम सीखेंगे कि किसी वेरिएबल को कैसे वैल्यू को असाइन किया जाए, स्क्रीन को कैसे सप्रेस किया जाए, मैटलैब को कैसे क्विट किया जाए। तो ये आपके सामने कमांड विंडो है। कमांड विंडो में यहाँ से आप प्रोग्राम लिखना शुरू कीजिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 + 2, तो इसके बाद आप अगर आप एंटर दबाते हो तो आपका आ गया आंसर 4। बाय डिफॉल्ट ये आंसर आपको 4 देगा। अगर आप लिखते हो a = 2 + 2, तो ये आपको a = 4 देगा। अगर आप a नहीं लिखते हो तो a की जगह ये आंसर = 4 देगा वो। और अगर आप लिखते हो a = 2 + 2 और इसके बाद सेमी कॉलन देते हो, तो ये आंसर आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये इंटरनली कंप्यूट होकर a = 4 हो गया। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ y = 2 raised to the power 2 plus log की वैल्यू में देता हूँ log π into sin x। अगर मुझे लिखना है into sin x, तो अगर इसके आगे मैं अगर कॉलन देता हूँ तो रिजल्ट मेरे को विजिबल नहीं होगा, तो मैं सीधा इंटर प्रेस करता हूँ। अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल x, x यहाँ पर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसे a बदल दूँ तो वो आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि x ऊपर में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ θ = a cos -1 -1, ये cos इनवर्स हो गया, ये a cos का मतलब, तो आपका आंसर आएगा 3.141। अब मैं इस विंडो को क्लियर करना चाहता हूँ तो आपको प्रेस करना पड़ेगा CLC, तो ये आपका कमांड विंडो क्लियर हो जाएगा। कमांड हिस्ट्री में आपका सारा जो आपने पहले कमांड लिखा वो कमांड हिस्ट्री में स्टोर रहेगा, वहाँ से आप इसे ये स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी लिखा था θ = a cos - 1 θ = a cos - 1। अब मैं अगर इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ 3.1416 का, तो फॉर्मेट भी एक होता है आपका ORMAT फॉर्मेट, शॉर्ट ई एक्सपोनेंशियल का शॉर्ट फॉर्म। यानी कि अभी जो भी आप का आंसर आएगा वो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आएगा वो। जैसे अब मैं लिखता हूँ θ = आप कमांड को अपर एरो से भी रिस्टोर कर सकते हो। अब मैं लिखता हूँ तो ये देखिए आ रहा 3.1416 e raised to the power 0 0। अगर मैं फॉर्मेट लॉन्ग लिखता हूँ तो अपर एरो से आप प्रीवियस कमांड को देख सकते हो। अब θ = देखिए क्या आता है, लॉन्ग फॉर्मेट में आपका ये आएगा वो। ठीक है, यहाँ से आप मैटलैब को क्विट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा QUIT। अगर आप ये क्विट करते हो तो मैटलैब जो एप्लीकेशन आपका ओपन है वो आपका क्लोज हो जाएगा, इसलिए मैं इसे ऐसे छोड़ देता हूँ। तो आपका पहला लेसन हो गया पूरा। आते हैं दूसरे लेसन में।
मैं विंडो को क्लियर कर देता हूँ, कमांड विंडो को। इस लेसन में हम सीखेंगे कि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर कैसे बनाएं, एरे कैसे बनाएं, मल्टीप्लाई कैसे करें, टर्म वाइज मल्टीप्लिकेशन, टर्म वाइज डिवीजन कैसे करें। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ, मुझे इसको एक वैल्यू असाइन करना है, उसका तरीका है आपका ये 1 स्पेस देकर 2 3। तो ये सॉरी एक्स इक्वल टू 1 2 3, ये रो वेक्टर बन गया आपका। अगर आप कॉलम वेक्टर बनाना चाहते हो तो 1 सेमी कॉलन 2 सेमी कॉलन 3, ये आपका कॉलम वेक्टर बन गया। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई अगर मैं करना चाहूँ तो क्या हो सकता है, क्योंकि एक्स रो वेक्टर है और वाई आपका कॉलम वेक्टर है, तो ये नहीं होगा। तो देखते हैं करके क्या होता है। एक्स प्लस वाई एरर, डायमेंशन आपका सेम होना चाहिए क्योंकि वो रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं। तो एक्स को अगर मैं वाई से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या करना होगा, जैसे कि ए इक्वल टू एक्स कॉलम वेक्टर है, मुझे मल्टीप्लाई करना है वाई वेक्टर से, तो ये एक्स ये रो वेक्टर है, वाई भी कॉलम वेक्टर है, तो मुझे टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन करनी है, इसीलिए ये पॉइंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म वाइज एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेगा, देखिए सॉरी वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स, वाई डायमेंशन मस्ट एग्री। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं डायमेंशन दोनों का चेंज करता हूँ, जो कि मैट्रिक्स आपका एक्स मल्टीप्लाइड वाई वाई हो सकता है, मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई 14। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया ये। लेकिन अगर मैं दो वेक्टर लूँ, जैसे कि मैं पहले विंडो क्लियर कर देता हूँ, सी एल सी एक्स इक्वल टू लेता हूँ मैं 1 2 3 वाई सॉरी एक्स इक्वल टू 1 2 3 वाई इक्वल टू 3 2 1, डायमेंशन दोनों का सेम है, अब मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा। एक्स मल्टीप्लाइड वाई वाई, देखते हैं क्या होता है। ये एरर बताना चाहिए एरर, क्योंकि ये टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन होगी, तो इसमें मुझे ये पॉइंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन हो गई, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। हाँ ठीक है, जैसे कि ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ बी इक्वल टू हो सी इक्वल टू 2 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई 2 विथ एक्स। अब एक नया टर्म है कि यहाँ पर मुझे एक्स इक्वल टू बार बार लिखना पड़ रहा है कि 1 2 3, जो भी जहाँ तक होना चाहिए एक से लेकर के जितने भी टर्म मेरे को असाइन करने हैं एक्स को, वो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। एक नया तरीका है कि एक्स इक्वल टू लाइन स्पेस, और मजे की बात यह है कि इसमें आप जिस इंटरवल तक, जहाँ से जहाँ तक आपको ए से बी तक आपको असाइन करना है और कितने इंटरवल में इंक्रीज करना है, जैसे कि मेरे को 0 से 10 तक जाना है और 5 5 के इंटरवल में जाना है, 0 से 10 तक जाना है और इक्वल इंटरवल में जाना है। तो देखते हैं क्या होता है। 0 2.5 5 7.5 एंड 10, इक्वल इंटरवल में स्पेस्ड है ये 0 2.5
2.5 के इंटरवल पर है ये आपका। अगर मैं लिखूं, इसे मैं चेंज करूं, 0 से अगर मैं चाहूं ये 2 के इंटरवल में है, तो ये 2 के इंटरवल में सीधा 0 और 10 तक चला जाएगा वो। अगर मैं इसे 3 के इंटरवल में ले जाऊं तो 0, 5 एंड 10। अगर मैं इसे एक एक के इंटरवल में ले जाऊं तो 0 से ये 10 तक, जो 0 से 10 तक सीधा चला जाएगा वो। अगर मैं इसे 10 के इंटरवल में ले जाऊं 0 से 10 तक, तो 0 से 10 तक जाएगा। 0, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5, 6, 7, 8, 10 तक चला जाएगा। तो ये था आपका, अगर मैं 0 से 100 तक जाना चाहूँ, 0 से 100 तक 10 10 के इंटरवल में, तो लाइन स्पेस था हमारा ये, 0 से 10 तक मेरे को जाना है और 5 इंटरवल में जाना है। पहला ये रहा, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर तक होते हुए 0 से 10 तक जाएंगे। अब इस एक्स को मैं असाइन कर सकता हूँ, जैसे कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये बता देगा आपको जो भी आ रहा है वो। अगर मैं लिखूँ वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉलन दे दूँ, तो आपका रिजल्ट नहीं बताएगा। और भी लिख सकते हैं, जैसे जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट करना, तो SQRT स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाइड वाई, क्योंकि एक्स एक वेक्टर है, मैं इसे वाई से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा, इसलिए मुझे ये ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो ये आपका दूसरा लेसन भी खत्म हो गया। अब तीसरा लेसन में मैं आपको बताऊंगा आगे, तो ये यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको कुछ और बताएंगे। इसे मैं टाइप करूँगा QUIT, तो मतलब आपका बंद हो जाएगा।